अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर एहतजाज की रात 11 बजे देखते रहिए प्रोग्राम सियासी नौटंकी। आप सोच रहे होंगे कि ये एहतजाज की रात क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हमारा हर वीक फायरिंग से शुरू और एहतजाज पर ख़त्म होता है। दिनों की तरतीब अब कुछ इस तरीके से है। वीक का पहला दिन फायरिंग, दूसरा मंगल, तीसरा सोग, चौथा दिन जुमेरात, पांचवा दिन ताल, छठा दिन हफ्ता, आखिरी रह गया ना एहतजाज। तो हुआ ना हमारा प्रोग्राम हर एहतजाज की रात 11 बजे। आइए देखते हैं इस दफा टाकरे में कौन किससे क्या एहतजाज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ रश्मीन हाजिर है खिदमत। नाज़रीन आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वफाकी मुशीर दाखला जनाब जॉन मलिक साहब, और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है कायदे हज़्बे इख्तलाफ जनाब चौधरी बेकार साहब। जॉन मलिक साहब, मैं और मेरी आवाम, मेरे साथ जो मेरे लोग हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अब आप जो हैं वजीर से मुशीर बन गए हैं, क्या फ़र्क पड़ा? तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी हुकूमत में हमारे साथ सबसे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जी वजीर से मुशीर बन जाए। अगर साबिक वजीर आजम के साथ तो बहुत बुरा हुआ, वो तो 5 साल के लिए बेदखल हो गए, 5 साल के लिए फारिग हो गए वो तो। देखिए असल में उन्होंने फारिग होना ही था, क्योंकि वो काफी देर से बैठे हुए थे, और हमारा ये कहना है कि फारिग तो ये भी हो जाएंगे, एक दफा उनकी हुकूमत चली जाए ये सब फारिग हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए फारिग हो जाएंगे। चौधरी बेकार साहब, आपको इतना नहीं पता है कि आप मीडिया पे आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और सर में कंघी शंगी तो आप कर लेते हैं कम से कम, बालों में बम फूटा है आपके। हंस लें, बिल्कुल हंस लें, और बच्चों ने सारे पटाखे तरी फोड़े लगाए। देखिए कंघी तो मैं कर लेता, लेकिन सारी कंघियाँ तो आपने अपने बालों में कर करके तोड़ दी, और फिर भी मैं अपने थोड़े से बाल सेट कर लेता हूँ। लेकिन आप जो हंस रहे हैं ना मुझ पर, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अभी तो हंस रहे हैं लेकिन बाद में आपको रोना पड़ेगा, वो भी फूट फूट के। और फूट हमें नहीं पड़ी है, और फूट तो आपकी पार्टी के अंदर पड़ी है। और इतना पुराना आदमी आपका आपकी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में चला गया। देखिए जी, फूट हम लोगों में भी नहीं पड़ी, असल में उनकी फूट गई। क्या मतलब है आपका चौधरी बेकार साहब, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या फूट गई है आखिर उनकी? सर देखिए, सर फूटती नहीं रश्मीन, सर फूटता है। और उनकी किस्मत फूट गई है जो वो इतनी अच्छी पार्टी छोड़कर सुनामी खान की पार्टी में चले गए। मगर वो अपने सुनामी में आप सबको बहा ले जाने का दावा करते हैं, खास तौर से आपकी पार्टी को चौधरी बेकार साहब। एक मिनट जरा मैं हंस लूं। उनका सुनामी सिर्फ नाले में उठ रहा है, और वो सिर्फ गन बहा सकते हैं और कुछ नहीं, बस। तो वो आपको बहाने की बात कर रहे हैं। एक बात बताएं, ये कमजोर तो नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा गन आपकी पार्टी ने मचा के रखी हुई है। ओए, हमने गंद मचा नहीं रखी है, बल्कि हमने गंद छुपा रखी है, और बात करने पर हम बाहर निकालते हैं। क्या मतलब इस बात का जॉन मलिक साहब, मैं और मेरे नाज़रीन ये बात जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी गंद है जो आप लोगों ने छुपा रखी है, क्या मतलब है इस बात का? हमारी पार्टी में एक से एक गंद पड़ी है, वो हमने छुपा रखी है, वो वक्त पड़ने पर हम बाहर निकाल लेते हैं। आप तो सब कुछ देख रही हैं ना? जी हाँ, मैं देख रही हूँ, हम लोग देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है आपका? इनका मतलब ये है कि ये वक्त पड़ने पे गंद निकालते हैं, वो गंद मचा के चले जाता है, फिर गंद साफ करने के बहाने दूसरा आ जाता है, और वो पहले से भी ज्यादा गंद मचा के चले जाता है। चौधरी बेकार साहब, आपके पास इस बात के हल के लिए क्या तजवीज है, आप क्या चाहते हैं आखिर? देखिए जी, हम चाहते हैं कि सारा गंद हम ही, मेरा मतलब है कि आवाम हमें मौका दे और हम एक ही दफा में सारा गंद साफ कर दें। वो तो ठीक है, जनरल सर्विसेज का ठेका आपको दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे हमें नहीं चाहिए कोई ठेका वेका। शुक्र करें हम आपको ठेका दे रहे हैं, और ये आवाम तो आपको ठेंगा भी नहीं देंगे। होल्ड अ सेकंड डॉन मलिक साहब, आवाम किसको ठेंगा देगी और किसको वोट किया तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो साबिक वजीर आजम है उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, अगर आपकी दोहरी शहरियत के मामले पर आपको भी नाअहल करार दे दिया आपकी पार्टी ने, तो आपकी तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी पार्टी के पास? वो देखें, हम तो नाअहल नहीं हो सकते। मतलब आप क्यों नाअहल नहीं हो सकते, ऐसी क्या गीदर सिंह है आपके पास, हम ये जानना चाहते हैं क्यों आपकी पार्टी आपको नाअहल नहीं कर सकती? क्योंकि ये पहले से ही नाअहल है। और नहीं जी, और दरअसल हमारी हुकूमत जो है ना, वो हमारी नाअहली अफोर्ड नहीं कर सकती। आखिर मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ डॉन मलिक साहब कि आखिर क्यों आपकी पार्टी आपकी नाअहली अफोर्ड नहीं कर सकती?
और तो फिर मुंह कौन देगा? अरे आपको क्या पता बीबी, ओके हमको कहाँ कहाँ मुंह देना पड़ता है, और जहाँ भी जाएं कहीं भी जाएं वो मुंह हमको ही देना पड़ता है, हैं? अगर हम नहीं होंगे तो मुंह कौन देगा? मैं यही समझ नहीं पा रही जॉन मलिक साहब, आखिर आपको कहाँ मुंह देना पड़ता है? अभी यहाँ पर कौन बैठा है? आप। तो यहाँ मुंह मीडिया को कौन दे रहा है? अच्छा, अब मैं समझी कि आपकी पार्टी ने आपको मुंह देने के लिए रखा हुआ है, यानी कि फ्रंट पैन। असल में ये मुंह के अलावा कुछ दे भी नहीं सकते। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि जी आपकी हुकूमत ने आवाम को कभी कुछ नहीं दिया और ना कभी कुछ दे सकती है। हम ये चाहते हैं कि आवाम हमारा साथ दे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे हमारे पास दो तीन। अरे 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 चौधरी बेकार साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके तो ढाई ही इतनी मुश्किल से गुजरे थे, आपको साथ कौन देगा? ढाई? ये ढाई क्या है भाई? साल, साल। अच्छा, तो इनके इनके 4.5 साल कौन से सुकून से गुजरे हैं? बस तो हो गए ना आपके 2.5 और इनके 4.5, कुल मिला के हो गए ना 7। अवाम दे चुके आपको 7, अब शायद किसी और की बारी है। ओ, किसकी बात कर रही बीबी आप? वो सुनामी की? वो उसकी बारी कभी नहीं आएगी, कि उसकी बारी आ ही नहीं सकती बीबी। ठीक कह रहे हैं जी, हम उसकी बारी कभी भी नहीं आने देंगे, उसकी बारी आने से पहले हम बल्ला लेके भाग जाएंगे। तो बीबी आपको नहीं पता है, दरअसल हम लोग एक हैं। ऊपर ऊपर देखा नाज़रीन आपने, एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ने वाले कैसे अपने अपने मफाद के लिए एक हो जाते हैं। यही हमारी सियासत की रीत है और यही हमारे सियासतदानों का वतीरा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह ही हाफिज। मैं ये कह रहा हूँ मिट्टी पाओ यार।